कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा मैं तीन अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करना जरूर चाहूंगा। दो अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे, और एक अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था जो यूपीए जब विपक्ष में थी तब लेकर। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है एन केन प्रकारेण, सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। मान्यवर, नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। माननीय 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार यहाँ पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और मान्यवर, इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी, सांसदों को करोड़ों रुपये की घूस लेनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयं लाए। इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, सारे लोकसभा के नियम कानून, हमारी परंपराएं, इसको त्याग कर एन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। इसके सामने मान्यवर दूसरा एक उदाहरण है, 1999 अटल जी की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव आया। मान्यवर, ये जो कांग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे क्योंकि 1993 में नरसिम्हा राव जी ने देश के सार्वजनिक जीवन को एक एग्जाम्पल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है, करोड़ों रुपया देकर भी बचाई जा सकती है, हम भी कर सकते थे। मगर हमने नहीं किया, मान्यवर, हमने नहीं किया। हमने हमारी बात रखी, देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने इसी सीट पर बैठकर अपनी बात रखी संसदों के सामने और जो कहा कि संसद का जो फैसला है मैं सर पर चढ़ाऊंगा, हमें कोई आपत्ति। मान्यवर, सिर्फ एक वोट से सरकार गई, सिर्फ एक वोट से। क्या हम यूपीए और कांग्रेस की तरह बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। मान्यवर, उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं संसद में नहीं था, सदस्य नहीं था, बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। मान्यवर, एक ही वोट का फर्क था और अंत में गिरधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे, वो वोट को वैलिड गिनना या न गिनना, मगर मान्यवर आप जिस आसन पर बैठे हो इसकी भी गरिमा का एनडीए ने पालन किया था। हमने कोई दबाव नहीं बनाया, एक वोट हमारे विरुद्ध में गया, हमारी सरकार चली गई, मगर आज मैं फिर से कहना चाहता हूं गौरव गोगाई जी को, मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई, परंतु अंत में क्या हुआ, बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, हमारे एनडीए का कुंबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है। एन केन प्रकारेण
सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। और ये दो चरित्र आज इस विश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।